हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। और आप लोगों की तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ढेर सारे एग्ज़ाम इस समय सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आज का ये जो लेक्चर है वह यूएनओ पर बेस्ड है, क्योंकि यूएनओ करेंट टाइम में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ रसिया जो है वो यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया है, और दूसरी तरफ और जो देश हैं वो यूएनओ में रसिया के खिलाफ ढेर सारे प्रस्ताव पास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रासंगिक है कि यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी विषय पर आज मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, क्योंकि आपका उत्तराखंडी जुडिशरी का एग्ज़ाम की डेट लगी है, यह यूपी के लिए भी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा और भी अन्य स्टेट के जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूएनओ के बारे में क्या मेन पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यूएनओ के पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूएनओ के पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यूएनओ के पहले जो है जो सबसे पहले, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जो शुरू हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कई देशों का। तो उसमें फिर ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसका काम हो कि विश्व के देशों में शांति की स्थापना करना और युद्ध की विभीषिका को रोकना। तो देखिए राष्ट्र संघ का यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, लीग ऑफ नेशंस, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का, जिनके सहयोग से लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रसंघ जो है इस्टेब्लिश किया गया। ये कब इस्टेब्लिश किया गया? ये इस्टेब्लिश किया गया है 10 जनवरी 1920 को, ये जो है ये गठन किया गया इसका राष्ट्रसंघ का। और राष्ट्रसंघ का भी उद्देश्य यही था क्या कि आने वाले समय में कोई भी युद्ध ना हो। ठीक है, अब राष्ट्रसंघ में भी तीन इसके अंग थे। कौन कौन था? पहला था सभा यानी कि असेंबली, दूसरा परिषद यानी कि काउंसिल, और तीसरा जो है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरिएट था। ठीक है, तीन इसके यहाँ पे आर्गन थे। और इन तीन आर्गनों में पहले क्या था कि जो काउंसिल होती थी, काउंसिल में भी कौन लोग परमानेंट मेंबर थे, उसमें थे USA यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। ये पांच देश जो है वो काउंसिल के क्या थे, वो परमानेंट मेंबर थे। ठीक है, इसके साथ साथ फिर इसका जो मेन पर्पज़ था कि जो आने वाला जो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोका जाए। लेकिन ये जो कि 1920 से लेकर के 1930 तक ये काफ़ी एक्टिव रहा, लेकिन फिर 1930 से 1940 के दशक में ये क्या हुआ, ये इनएक्टिव हो गया, अच्छे से काम नहीं कर पाया। इसका परिणाम हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो गया, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो है अपने उद्देश्यों में फेल रहा। तो अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जो है वो फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया ये। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया, ये 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और ये मेन इसका उद्देश्य क्या था कि आने वाले टाइम में जो तृतीय विश्व युद्ध को रोका जाए। तो इसको जो है 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया, और इसी को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में यह जो है मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि यूएनओ में जो है वह कितने जो है उसमें सदस्य हैं, कितने यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्गन्स, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए यूएन चार्टर में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आता है ये, 111 आर्टिकल्स हैं, कुल 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसमें जो चैप्टर हैं कुल अध्याय कितने हैं, वो 19 अध्याय हैं, इसमें 19 चैप्टर्स इसमें हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने इसके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके आर्टिकल सेवन दिया गया है कि यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं, कितने अंग हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि देखिए पहला क्या है, असेंबली यानी कि महासभा, जिसको क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 9 से 22 तक है। और इसमें
इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी संसद, लघु संसद भी कहा जाता है महासभा में, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जानते रहिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है, दूसरा इसका जो अंग है ऑर्गन, उसका नाम है सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। और यह आर्टिकल 23 से लेकर 32 तक, 20 कहाँ से दिया है, 23 से लेकर के 32 तक जो है आर्टिकल जो है सुरक्षा परिषद के बारे में है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो तीसरा ऑर्गन, उसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये जो है आर्टिकल 61 से लेकर के 72 तक इसमें प्रावधान दिए गए, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं तो आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो चौथा ऑर्गन है, फोर्थ, उसका नाम है न्यासिता परिषद, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, और वो उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 86 से लेकर के 91 तक दिया है, यानी 86 से 91 तक जो है वह न्यासिता परिषद के बारे में दिया गया है। और आज की डेट में न्यासिता परिषद ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है, इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो सकता है आने वाले टाइम में इसको यहाँ से इसमें से हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो पाँचवा ऑर्गन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसमें जो प्रावधान दिया गया है यूएन चार्टर में आर्टिकल 92 से लेकर के 96 तक प्रावधान दिया गया है। और जब कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, जब कोई भी मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजेस उस पर निर्णय देते हैं, और ये पक्षकारों के ऊपर क्या होता है, बंधनकारी होता है, बाइंडिंग होता है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में यहाँ प्रावधान दिया गया है। और इसका जो छठा और लास्ट ऑर्गन है, जिसका नाम है सचिवालय, यानी कि सेक्रेटरीट जो है, वो सेक्रेटरीट के बारे में कहाँ से प्रावधान दिया गया है, ये 97 से लेकर के 101 तक जो है वो सचिवालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट है, किसके हैं, यूएनओ के हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। आप इस लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर अब आने वाले लेक्चर में हम एक एक को वो महासभा के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में, न्यायिता परिषद के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में और सचिवालय के मामले में अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। आप इसको देखिए और उसको जो है याद कर डालिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए, जनरली हर एग्ज़ाम के लिए ये यूएनओ का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, थैंक यू।